स्वागत है स्टूडेंट्स एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 27 राकेश यादव क्लास। कोसेक 51 डिग्री इक्वल टू एक्स ये हमें गिवन है और ये डेटा हमें पूछा गया है। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक पैटर्न को पढ़ा था। वो पैटर्न अगर हमारे दिमाग में नहीं होगा तो हमें इसे सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल जरूर है। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था हल्का सा मैं जरूर आपको याद दिला देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए और बी का सम 90 डिग्री है देन सबसे पहली चीज साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी इक्वल टू क्या पढ़ा था? ये नहीं पढ़ा था, हल्की सी गलती है यहां पर। साइन ए इक्वल टू कॉस ऑफ बी है या फिर साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ बी इक्वल टू वन या फिर साइन ए सेक बी इक्वल टू वन। आप यही कहोगे सर तीनों एक है, मैं भी यही कह रहा हूं कि तीनों एक है, लेकिन ऐसा क्यों लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट वीडियो के अंदर। मैं जस्ट अभी एक रिलेट करवा रहा हूं कि आगे आने वाले क्वेश्चन इससे रिलेटेड है और फटाफट सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर मैंने ये भी लिखा था साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बी इक्वल टू, ये सब तभी है जब आपका ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, नहीं तो नहीं होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू वन, टेन ए टेन बी इक्वल टू वन, कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ बी इक्वल टू वन। अब इस चीज को अपन काम में ले, देखो आप सबसे पहले यहां देखें साइन ए सेक बी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया साइन ए सेक ऑफ बी इक्वल टू वन होगा, ठीक है। साइन ए सेक ऑफ बी इक्वल टू वन होगा तो मैंने अभी क्लियर किया आपको कि ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। देखो क्यों है ऐसा, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, राइट। तो यहां पर इसकी वैल्यू वन आ चुकी है, ये तो क्लियर हो गया। कोसेक स्क्वायर ऑफ 51 ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, वन अपॉन कोसेक साइन स्क्वायर होगा, राइट। ये साइन स्क्वायर 51 होगा या नहीं होगा, तो ये साइन स्क्वायर 51 होगा तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा कि सर साइन स्क्वायर ऑफ 51 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 39, ए प्लस बी 90 है तो ये भी वन, तो ये वन हो गया और ये वन हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का वन और वो माइनस का वन, माइनस लगा हुआ है पहले बार, तो ये तो क्लियर हो गया। मतलब मेरा जो भी आंसर है वो 10^(39) है। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं पर मैं तो ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है ना। कोसेक ऑफ 51 मुझे दिया हुआ है 90 डिग्री, 51 जो दिया हुआ है आप यहां मान लीजिए 51, यहां तो 39 है, अगर ये 39 नहीं होगा तो मैं वैल्यू कभी नहीं निकाल पाऊंगा, राइट। अब 51 डिग्री कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, आप जानते हो हाइपोटेनियस ये ना 51 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। टेन 39 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन ध्यान रखना दोनों का ही परपेंडिकुलर अलग अलग है, वो 51 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर है, ये 39 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर है, इसका डिस्कशन अपन ने पिछले वीडियोस में कर रखा है, राइट। 39 डिग्री मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, एक्स स्क्वायर रूट में माइनस वन अपॉन पर बेस वन, और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि टेन 39 डिग्री का होल स्क्वायर, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये मेरा आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, आराम से चीजें समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूले, चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट ऑफ 18 डिग्री कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 68 कॉट 72 वन अपॉन सेक स्क्वायर 22 टेन 72, मेरी बात समझिएगा। ये जब ऊपर जाएगा आप थोड़ा सा देखो ना, देखो कॉट ऑफ 18 डिग्री अंदर क्या है cos स्क्वायर ऑफ 68 cot 72 प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर, sec स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या बनेगा cos स्क्वायर 22,
एंड टेन 72 ऊपर जाएगा तो 1072 बना देगा। तो यहां पर देखिएगा 1 अपॉन 1072 कितना होता है, cot ऑफ 72। cot ऑफ 72 यहां से cot ऑफ 18 तो बाहर है ही पहले से, क्या cot ऑफ 72 भी बाहर आ जाएगा राइट अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर ऑफ 68 प्लस cos स्क्वायर ऑफ 22। याद करें cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है अगर a प्लस b 90 हो, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b होता है, cos a प्लस cos b नहीं, cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b नहीं, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होगा जब a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होगा, a प्लस b 90 है तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी। cot a cot b भी 1 होता है अगर a प्लस b 90 हो तो यहां भी 1 और 1 * 1 फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखो ना कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, सब उसी के बेस के ऊपर है, बस हमें वो चीज पता होनी चाहिए थी कितने जल्दी जल्दी आंसर्स आते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस अप टू साइन स्क्वायर 90। मेरी बात समझिएगा, गैप चार चार का है, 1 है फिर 5 है फिर 9 है, ऐसे करते करते आगे बढ़ा जा रहा है राइट। आई रिपीट अगेन, पहले 1 हुआ फिर 5 हुआ फिर आगे 9 आएगा, 1 5 9 14 19। ये क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, क्यों लिखा गया ऐसा मैं नहीं जानता, यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे, यहाँ साइन स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए था। रीजन क्या है, जब ये 1 5 अगर इस फॉर्मेट में आगे ले जाऊंगा तो मेरा क्या होता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलता है, 1 5 9 14 इस तरह प्रोग्रेशन चलेगा ठीक है ना। मैं चार चार ही ऐड कर पाऊंगा और चार चार ऐड करने के बाद में आपका कभी भी 90 डिग्री नहीं आएगा, तो 90 कैसे लिखा गया, यहाँ होना चाहिए था 89 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता। क्या होना चाहिए था, 89 डिग्री। अगर यहाँ साइन स्क्वायर 1 है साइन स्क्वायर 5 है, अगर डॉट 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 लगा है तो यहाँ ये नंबर मैच करना चाहिए, मैच नहीं करता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरी बात समझिए, एक लिखने का तरीका होता है, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 प्लस साइन स्क्वायर 6, आप समझ रहे हो ना कैसे आगे बढ़ रहा हूं मैं दो दो जोड़ के, तो कैसे पॉसिबल है कि एंड में मैं आपको साइन स्क्वायर 21 पे फिनिश कर दूं, हाउ इट इज पॉसिबल, 20 पे हो सकता है 22 पे हो सकता है 21 पे कैसे होगा, दो दो जोड़ के देख लो। सेम चीज है, अगर मैं चार चार ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9, मैं 4 4 ऐड कर रहा हूँ तो हर बार ऑड नंबर ही मुझे मिलेगा, 90 मुझे नहीं मिल सकता। अब करना क्या है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देखते, हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का तरीका, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अपन को तो वो समझना है ना। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 अप टू साइन स्क्वायर 90। हम इस क्वेश्चन को इस नजरिए से देखेंगे राइट। अब समझे, क्योंकि ये बच्चे के द्वारा लिखा हुआ, लिखना में गलती होती है, तो समझना साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 अप टू साइन स्क्वायर 90, हमें ये दिया हुआ है, हमें इस चीज को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो आप समझदार हैं, हमें एक चीज पता होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा जब ए प्लस बी 90 होगा। आपके दिमाग में क्या आता है, सर 5 और 10 15, चलो छोड़ो 5 और 90 95। अरे आप फर्स्ट और लास्ट ही ऐड करने में क्यों लगे हुए हो, आप समझो ना यहाँ 5 है तो वहां 85 होना चाहिए, आपका दिमाग ऐसा लगाओ ना, आपको सब 90 बनाना, ए प्लस बी 90 पुट करना है, भाई ए प्लस बी जहां 90 हो गया वहां पर आपका आंसर 1 हो जाएगा, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी हो, मतलब यहाँ 5 है तो वहां 85 होना चाहिए, मिलेगा हमें 5 5 गैप से हर नंबर मिलेगा, यहाँ 10 है तो वहां 80 होना चाहिए, मतलब पेयर बनते रहेंगे। अब पेयर बनते रहेंगे तो आप मेरी बात समझना, सबसे पहले ये पता लगाना है यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 10 15 ऐसे करके टर्म्स कितनी है। अभी बड़ा आसान है, 5 1 5 5 2 10, ऐसे करके अगर टर्म्स में निकालूंगा, ऐसे करके अगर मैं टर्म्स निकालने जाऊं तो मेरी टर्म्स 5 × 18 90, मतलब टोटल 18 टर्म्स बन गई। सर आज तो मेरी 18 टर्म्स बन गई, कल अगर टर्म्स निकालने का आ गया और नहीं निकले मेरे से तो जैसे वो साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 89 यार। अब नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कितनी होगी, भाई यहाँ चार चार बढ़ रहा है, मल्टीपल तो है नहीं, तो टर्म्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको एक छोटे से एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ।
जैसे मैं कहता हूं एक क्लास में रोल नंबर है 19 से लेकर के 35 तक बैठे, रोल नंबर 19 से लेकर 35 तक बैठे, बहुत ध्यान रखिएगा, रोल नंबर 19 से लेकर रोल नंबर 35 तक बच्चे बैठे। मैं पूछता हूँ क्लास में कितने बच्चे बैठे, तो एक बच्चा कहता है तो क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 35 में से 19 घटा 15 में से 9 गए, 6 और 2 में से गया 1, 16। 16 बच्चे उस क्लासरूम में बैठे, चलो मान लिया 16 बच्चे क्लासरूम में बैठे, आपका आंसर यहाँ से 16 आया, 35 माइनस 19। अब मैं कहता हूं रोल नंबर 1 से लेकर के 10 तक कितने बच्चे क्लास में बैठे। अब आप यहां तो कहते हो 10 बच्चे क्लास में बैठे, यहां कहते हो 16 बच्चे क्लास में बैठे, कैसे बैठेगा भाई, तो यहां तो आपने माइनस किया 35 माइनस 19, यहां माइनस क्यों नहीं किया 10 माइनस 1 9, यहां भी माइनस करो ना। तो माइनस करते समय क्या होता है, या तो पहला नंबर काउंट नहीं होता या आखिरी नंबर काउंट नहीं होता, कोई भी एक नंबर काउंट नहीं हुआ होगा। आपको क्या करना होता है, एंड में प्लस 1 करना होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। अब ये तो हुआ आपने रेगुलर ले, अगर रेगुलर नहीं होते तो एक छोड़कर होते, दो छोड़कर होते, तीन छोड़कर होते, चार छोड़कर होते, तो जैसे यहाँ हर नंबर चार चार के ग्रैप पर है ना, तो आपको 89 माइनस 1 तो करना ही है, लास्ट माइनस फर्स्ट को करना ही है, चीज समझते भी करे रटे नहीं आप है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट तो करना ही है। अगर आपको सारे नंबर लेने हैं तो ये आपको कंप्लीट लेना है, देखो प्लस वन तो सबसे एंड की कहानी है, प्लस वन तो सबसे एंड की कहानी है, वो तो मुझे जोड़ना ही है, पर आप समझना लास्ट माइनस फर्स्ट करना है। अगर सारे नंबर काउंट करना है 1 2 3 4 5 तब तो ये रहने दो, अपॉन में कुछ भी नहीं करना, लेकिन आपको और हर चार नंबर छोड़ काउंट करना है तो जितना भी नंबर गैप है उसका डिवाइड कर दो, हर दो नंबर के बाद चाहिए तो डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय थ्री तीन के बाद, हर चार के बाद चार चार का गैप चल रहा है ना तो डिवाइड बाय फोर कर दो। 88/4 मींस 22 प्लस 1 23, तो ऐसे निकालते हैं टर्म्स, जब ये 23 टर्म्स है टोटल राइट, तो अपने टर्म्स निकालनी होती तो अपन कहते हैं 90 माइनस 5 मींस 85 अपॉन 5 17 प्लस 1, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 की टेबल चल रही है, 5 इंटू 18 90, 5 एकम 5 से स्टार्ट है 5 इंटू 18, 5 बन जा 5 से स्टार्ट है 5 इंटू 18 90 होगा, तो 18 टर्म्स है टोटल। अब समझिएगा 18 टर्म्स में साइन स्क्वायर 90 किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि 90 को पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, जीरो चाहिए, सम 90 होना चाहिए, तो 90 को तो जीरो चाहिए, 90 प्लस जीरो 90 होता है, तो यहाँ से जीरो है क्या, नहीं है, मतलब साइन स्क्वायर 90 किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाएगा। अब यहाँ मुझे समझ में आया, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझनी है, आपको रटना कुछ भी नहीं है, सर ये नंबर बाकी रह गया मुझे याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं कुछ भी नहीं। 17 टर्म्स है, ये 17 का मतलब क्या है, इट इज टर्म्स, ये 17 टर्म्स है प्लस साइन स्क्वायर 90। अब 17 टर्म में अगर आप दो दो का पेयर भी बनाओगे तो एक टर्म तो अकेले बचेगी या नहीं बचेगी, कन्फर्म बचेगी। अब मुझे देखना वो टर्म अकेले कौन सी बचेगी, देखो बीच की टर्म्स होगी ना वो सबसे मिडिल टर्म, वो हमेशा अकेले बच जाएगी। रीजन क्या है, मिडिल टर्म एक बार ही आती है, जैसे 45 डिग्री है यहाँ आएगा ना, तो 45 डिग्री एक बार ही आएगा, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45। अब साइन स्क्वायर 45 को एक और साइन स्क्वायर 45 चाहिए सब 90 करने के लिए, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो एक और साइन स्क्वायर 45 कहाँ से लाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल 16 टर्म्स हो जाएंगे प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90। अब 16 टर्म्स है, 16 टर्म्स में मेरी बात समझिए, 16 टर्म्स में पेयर कितने बनेंगे आपके, 8 पेयर बनेंगे या नहीं बनेंगे। अरे 16 टर्म में दो दो के जोड़े बनाओगे, जोड़े कैसे, 5 डिग्री 85 डिग्री, 10 डिग्री 80 डिग्री, 15 डिग्री 75 डिग्री, 20 डिग्री 70 डिग्री, ये पेयर्स बनेंगे ना, ये टोटल पेयर्स कितने बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे। हर पेयर की वैल्यू कितनी है, 1 है, 5 प्लस 85 90, उस पेयर की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 ऐड हो रहे हैं, हर पेयर ऐड हो रहा है, तो 8 पेयर्स है, इनकी वैल्यू 8 आ गई, 8 बार जुड़ेगा। अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो मेरा आंसर 1 का 1 रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई होगा भी कैसे, पेयर खुद प्लस में होगा तो ही 1 बना पाएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, ये प्लस होगा तो ही 1 बनेगा, साइन स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 85 तभी 1 नहीं बनेगा राइट। यहाँ 8 आ गया, साइन स्क्वायर 45 हम जानते हैं 1/2 और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1, 8 1 9 and half 9 and half। देखो चीजों को समझना है हमें, फटाफट में कोई आंसर नहीं दे, हम बगैर समझे किसी का आंसर नहीं दे राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए।
चलिए ये मैंने समझाया था, अगला क्वेश्चन ये रहा, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 20 प्लस अप टू करके साइन स्क्वायर 90। तो एक काम करो ना, ये क्वेश्चन है ना आप अपने लेवल पर सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप अपने लेवल पर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 लिख के कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर भी देंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आप अपने लेवल पर सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर, सेम टाइप है। मैंने आपको काउंटिंग करनी सिखा दी नंबर ऑफ टर्म्स की, कौन सी टर्म्स को अलग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये भी आपको बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एरर आनी चाहिए, मतलब दिक्कत आनी चाहिए। आपको एक चीज और बताओ, जब अगर 1 3 ऐसा हो ना तो एंड में 90 नहीं होता है, कॉस स्क्वायर 89, ये थोड़ी गलती है फॉर्मेट के अंदर। अगर 1 और 3 होगा तो 5 7 मगर आएगा, 90 नहीं आ सकता, 89 होना चाहिए। देखो 90 लिखने पर है कुछ नहीं, कॉस 90 जीरो होता है, उसका यहाँ इफेक्ट भी नहीं पड़ना, लेकिन जो फॉर्मेट चल रहा होता है ना उस फॉर्मेट को अपन तोड़ नहीं सकते, अपनी मजबूरी है। ये डॉट डॉट पता है क्या बताता है, ये डॉट डॉट बताता है जिस प्रकार ये यहां से यहां आगे बढ़ा उसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा, डॉट का मतलब ये होता है और डॉट का मतलब ये होगा, तो 90 कैसे आएगा, कभी नहीं आएगा, 89 आएगा वहां। तो इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो फिलहाल कोई नहीं, आंसर में यहाँ फर्क नहीं पड़ना, लेकिन चीजें पता होनी चाहिए, पर करना आप ही को है ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका आंसर जरूर लिखे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब ये वाला मैं करवा देता हूं, ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या है, सम जो है आपका वो 90 होना चाहिए, अपन तो ये सोचते हैं ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 90 कब होगा, अब आप सोचते हो सर 90 मतलब होता है पाई बाई टू, ये हम जानते हैं रेडियन फॉर्म होता है, पाई का मतलब 180 बाई टू 90। सर 90 में से पाई अपॉन 40 घटा दो तो रिमेनिंग वाला आ जाएगा, मैं ऐसा मना करता हूं। मेरा तो क्या सिस्टम है, तो आपको सिंपल सा बताता हूं, सब में अपॉन 40 चल रहा है ना, तो ऊपर संख्या ऐसी जोड़ो कि ऊपर आ जाए 20, मेरी बात समझो। सब में नीचे क्या चल रहा है, 40 चल रहा है एंगल में, ऊपर जोड़ने पर अगर जिस समय 20 पाई आ गया तो ऑटोमेटिकली पाई बाई टू बना देगा ना, तो हमें क्या करना है, जोड़ने पर 20 पाई आना चाहिए। और देखो यहाँ पाई अपॉन 40 है, 2π 3π, तो क्या 90π/40 भी रहा होगा, कहीं कहीं 18π/40 भी रहा होगा, कहीं 17π/40 भी रहा होगा, इन चीजों को समझ रहे हो आप। तो देखो ये और ये वाला पार्ट ये आपस से मिलकर क्या बना देंगे, सब 90 बना देंगे, क्या सही कह रहा हूं मैं। अब पहले पता लगाते हैं टोटल टर्म्स कितने, क्लियर दिख रही है 1 से लेकर 20 तक टोटल 20 टर्म्स है, राइट। तो टोटल 20 टर्म्स है, लेकिन उसमें से ये टर्म तो पेयर बनाएगी नहीं, ये तो खुद पाई बाई टू पड़ा है। मैंने क्या बोला, मेरे को सम 90 चाहिए, ये पहले से 90 है, इसको तो जीरो चाहिए सम 90 बनाने के लिए, जीरो यहां कहीं है नहीं। तो 19 टर्म्स और साइन स्क्वायर 20π/40 को मैं डायरेक्ट पाई बाई टू लिख लूंगा, राइट। ये मेरा टर्म आ गया, ये वाली टर्म है ना साइन स्क्वायर 20π/40, इसी को यहां पाई बाई टू लिखो। अब टोटल इसको हटा दो, 19 टर्म्स बची है मेरे पास, 19 टर्म में समझना पड़ेगा। देखो पेयर जो बनते हैं ना, दो दो के बनेंगे ना, 2 4 6 8, 19 टर्म में एक टर्म रह जाएगी, कौन सी रहेगी, बीच की टर्म रह जाएगी। अब बीच की टर्म इनमें से एग्जैक्टली बीच की टर्म कौन सी होगी, 10π/40। देखो 1 का पेयर 19 के साथ बनेगा, 2 का 18 के साथ, 3 का 17 के साथ, 4 का 16 के साथ, 5 का 15 के साथ, ऐसा पेयर बनता रह जाएगा। 10 का पेयर 10 के साथ बनेगा, तो 10 का पेयर 10 के साथ क्यों बना रहे हैं, 10+10 20 चाहिए मुझे ऊपर, और 10 मेरे पास एक ही है, तो वो टर्म अकेले बन जाएगी, टोटल 18 टर्म्स होगी। आपके साइन स्क्वायर 10π/40 टर्म अकेले बच जाएगी और साइन स्क्वायर पाई बाई टू है। ये आपको टर्म पता हो तो और कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर का मतलब होता है 45। 18 टर्म्स है तो पेयर कितने बनेंगे, 9 पेयर। अब देखते जाए 9 पेयर बन रहे हैं तो वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी, हर पेयर की वैल्यू 9 टाइम्स एड होगा तो 9 हो जाएगा। साइन स्क्वायर पाई बाई फोर हाफ, साइन 45 कितना होता है भाई, 1/√2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई टू 1 होता है, राइट। तो 10.5 आ गया, ये लीजिए अपना आंसर आ गया, 21/2 कह दिया, 10.5 कह दिया। इसी प्रकार कोई शॉर्ट मेथड में नहीं जाए, चीजें समझ में आनी चाहिए, रट लोगे अगर आज तो आगे भी नुकसान होगा और आपको एग्जाम के पहले पढ़ कर जाना पड़ेगा। एक बार अगर चीजें लॉजिकली दिमाग में बैठा ली, टेस्ट देते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, इसके अलावा हमें अलग से कोई नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन करें।
ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है भाई, और हमें ये वैल्यू पूछी गई है। एक बात बताओ ना, अगर ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो ट्राइंगल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमें इतना तो पता होता है ना भाई, एंगल ऑफ ए एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू जो है वो 90 डिग्री होगा, मतलब ये कहीं भी मुझे मिल गया तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या मैं सही हूं? अब देखिएगा, ये ए बाई टू, ए बाई टू का पेयर बना लो आप बी प्लस सी बाई टू, मतलब इन दोनों एंगल्स को जोड़ोगे तो टू तो कॉमन है ना, नीचे बेस में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों एंगल को जोड़ते पर 90 डिग्री होगा, राइट। आप इसको और इसको जोड़ दीजिए 90 हो रहा है, और आप इसको और इसको जोड़ दीजिए 90 हो रहा है, मतलब ये तीनों आपस में सम क्या बना रहे हैं, एंगल का 90 बना। और हम जानते हैं कि जब a plus b equal to 90 होता है तो cos square of a plus cos square of b कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1। फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों की एक्चुअली इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, चीजें समझना चाहते हैं घर बैठकर, तो मुझे लगता है उनको, आपको ये वीडियो है ना उन तक पहुंचाना चाहिए। चलिए फिलहाल चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।